अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले तीर्थयात्रियों और गाड़ियों की आवाजाही पर नज़र बनाए रखने के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एसएसपी ट्रैफिक रोहित बसुओत्रा ने बताया कि महकमे ट्रैफिक ने उधमपुर से रामबन जिले के बानिहाल तक 10 360 डिग्री वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जबकि पुलिस इंतजामिया ने गाड़ियों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए मुश्तबा लोगों की पहचान करने के लिए हाईवे पर 60 कैमरे लगाए हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे गाड़ियों की आवाजाही पर नज़र रखी जा रही है। जो अभी तक जो सीसीटीवीज हैं, एक पायलट प्रोजेक्ट है, सीनियर ऑफिसर्स इसको काफ़ी क्वालिटी वॉच कर रहे हैं और इसका काफ़ी अभी अच्छा फीडबैक है। आईजी ट्रैफिक और डीआईजी ट्रैफिक का ब्रेन चाइल्ड था कि सीसीटीवी लगे, वो जो सीसीटीवी हमारे लगे हैं ये कंजेशन पर लगाए गए हैं, जहाँ पर तकरीबन कम्यूटर्स को डिफरेंट फैक्टर्स, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वो रोड ब्लॉकेट हो, चाहे गाड़ी का ब्रेकडाउन हो, जहाँ वो कंजेशन बनता है वहाँ लगाए गए हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग अमरनाथ यात्रा, चूँकि ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, सीम बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट इसको 24/7 वॉच करता है, इससे हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी श्री अमरनाथ यात्रा को स्मूथ रन करने में। और कहीं अगर कोई फॉल्ट होता है, हमारी जो ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट है उसको टाइम मिलता है जल्दी, एफिशिएंटली और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने का और उस ब्लॉकेट को दूर करने का। तकरीबन जैसे कहीं कोई लड़ाई वगैरह हो जाए वो भी दिख जाता है और वो हम इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट पुलिस को पास कर देते हैं कि वहाँ पर जैसे एक्सीडेंट हो गया वो भी मदद मिल जाती है, एक्सीडेंट हो गया कैमरे में आ गया, इमीडिएटली हमारी टीम आ गई, उस समय पीसीआर को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं, हर तरह से इसका फ़ायदा है।